न्यूज टाइम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, न्यूज़ टाइम हैदराबाद में आप तमाम का खैर मकदम है। तेलंगाना में राशन कार्ड्स के ज़ेर इल्तवा मामलात की खबर गर्दिश करने के बाद बहुत सारे लोग दरख्वास्तों के साथ खरीब खरीब सिविल सप्लाई के दफातर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन ऑफिसर्स ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि अभी हमें इस मामले में कोई मजीद जानकारी नहीं दी गई है। इस मामले पर 14 जून को हुकूमत की तरफ से कोई सरकारी जियो या नोटिस मिलने के बाद ही मालूम हासिल हो सकती है। एएसओ सर्कल 1 से आवाम से गुजारिश की गई है कि वो इस कोविड सूरत हाल में दफ्तर ना जाएं और महफूज रहें। सरकारी नोटिस आने के बाद हम खुद इस पर जानकारी देंगे और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कॉल करेंगे और जो पेंडिंग राशन कार्ड्स है इनको इशू किया जाएगा। पेश है न्यूज टाइम हैदराबाद से ये तफसीली रिपोर्ट। मजीद ताज़ा व अहम तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर, काकुतपुरा सर्कल, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ओल्ड सिटी, अपन मेरे एरिया में आता चंद्रन गुट्टा, बारकास, बंडलागुडा, नूरखान बाज़ार, मिरियालम मंडी और उपूगुड़ा, फलकनुमा, ये पूरे एरिया से। आप पब्लिक को क्या रिक्वेस्ट है, अभी आप परेशान मत होइए। 15th के दिन हमारे को हायर ऑफिशियल से गाइडलाइंस आते और गाइडलाइंस के मुताबिक डेफिनेटली अपन लोगों सब जो भी नीडी है, जो भी गरीब लोगों आम पब्लिक को कंपलसरी अपन हेल्प करेंगे। जो भी उनका सोशल स्टेटस देख के जो भी करने का है इंक्वायरी करके उनको कार्ड है सो इशू करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे को गाइडलाइंस नहीं आए, 15th के दिन गाइडलाइंस आते हैं, वो गाइडलाइंस के मुताबिक जो भी है सो अप्लीकेशन पे करेंगे। ये सर्कल में अभी तक फ़िलहाल अपन टोटल 10,000 अप्लीकेशन अपन लोग इंक्वायरी करे सो है, पेंडिंग अप्लीकेशन 17,000 आए सो है हमारे ऑफिस में। वो भी अभी जैसा स्टाफ भी क्या कोविड के वजह से थोड़े बीमार है, उसके वजह से भी स्टाफ कम है, फिर भी हमारे को स्टाफ प्रोवाइड करते बोल के बोले सो है दूसरे डिपार्टमेंट्स में। तो डेफिनेटली वो प्रोसेस है सो इंक्वायरी हो के उनका जो भी है सो जो भी सोशल स्टेटस देख लेके कम जो भी प्रोसेस है कम्प्लीट होगा। ऑनलाइन अभी फ़िलहाल स्टार्ट नहीं हुआ, ऑनलाइन भी 15 तारीख के बाद स्टार्ट होता। नमस्कार, मेरा नाम मल्लिकार्जुन है, असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर मलकपेट है। असिस्टेंट सिविल सप्लाई साहब, सर मलकपेट है। कल सीएम साहब ऑर्डर दिए राशन कार्ड इश्यू करने के लिए, उसके बारे में कल मीटिंग हुआ मिनिस्टर साहब से, मेयर, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड होम मिनिस्टर मीटिंग हुआ। मीटिंग में डिक्लेयर करे क्या बोले तो उसमें 14th का दिन मीटिंग लगा के गाइडलाइंस देते बोल के बोले, अपन गाइडलाइंस का बारे गाइडलाइंस कैसा दिए तो ऐसे ही चाहिए फायदा होता। अभी तो पब्लिक को कोई भी अप्लाई नहीं करे तो अप्लीकेशन मीसेवा में अप्लाई करना पड़ता, गैस बिल, लाइट बिल एंड बैंक पासबुक जीरोक्स कापी ऐसे पूरा देना पड़ता। तो मीसेवा ऑफिस को जाके आप अप्लीकेशन फी बने तो आपको रिसिप्ट देते, रिसिप्ट और डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूज करके वो डॉक्यूमेंट्स पूरा लेके आके मलकपेट ऑफिस में देना पड़ता। और देने के बाद आपको उसमें फ़ोन नंबर लिख देना, और फ़ोन नंबर को लिख के वो फ़ोन नंबर को कॉल करके आपका घर को आके इंक्वायरी करते हैं। आप लोग बार बार ऑफिस फिरने के लिए ज़रूरत नहीं है, कहीं को बोले तो ये पैनमिक सिचुएशन में कोई भी ऑफिस को ना जाना, कोई भी तकलीफ ना लेना, उसके वास्ते आप लोगों को इंक्वायरी आते आपको कॉल आते घर में रहना, आपको आज इंक्वायरी को आ रहे बोल के कॉल आते। जब तक आप करना पड़ता बोले तो ज़्यादा अप्लीकेशन से दो साल से नहीं करे उसके वास्ते ज़्यादा अप्लीकेशन से वो अप्लीकेशन से सीनियरिटी जैसे अपन करके आते, उसके वास्ते आप लोग पब्लिक थोड़ा सबर करना, आए तक सबर करना। आने के बाद आप इंक्वायरी होने के बाद आप जब राशन चालू होता, अभी से थोड़े जने अभी ऑफिस को फिर इंक्वायरी नहीं कर रहे बोल के अपन को गाइडलाइन से आने के बाद चालू करते हैं उसके बारे में। और वो नेम एडिशंस डिलीशंस के बारे में थोड़े जने एप्लीकेशंस दिए, उसके बारे में भी गाइडलाइंस आते 14th के बारे में बाद में, वो गाइडलाइंस कैसा आता ऐसे फॉलो होता है।